लोकसभा में जो बिल पास हुई वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, उस बिल के बारे में भी जो है हम लोग मुबारकबादी पेश करना है देश के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आते ही इतना बड़ा सरप्राइज, सब लोगों को कॉल कर दिए, सब लोगों को बुला लिए, और ये नहीं बल्कि पूरे स्टेट से इंडिया के सब कुदो दो को जो है सबको इन्वाइट कर दिए हैं, और सबको यहाँ देख कर बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं आज ये बात सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रूफ कर दिया कि भारत की 99% पब्लिक उनके तरफ है, 50% नहीं, 40% नहीं, 60% नहीं, 99% उनके तरफ है करके प्रूफ हो गया। कल सुबह से पार्लियामेंट में मैं सुन रही थी कि पार्लियामेंट में बात स्टार्ट हुई वुमेन्स एम्पावरमेंट की। मैंने इसी बिल के लिए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया, क्योंकि जब हम लोकसभा में देखते हैं, जब राज्यसभा में देखते हैं, जब मिनिस्ट्री में देखते हैं, तो 100% जो है मेल होते हैं, जो ये औरत होती है उसको किसी के नीचे काम करना होता है, उसका तो कुछ चलता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बिल जो है, इस बिल को पास कराना मेरा मकसद है और बाकी कुछ मकसद नहीं है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के सामने ये फाइल जाती, 5 साल गुजर जाते, 10 साल गुजर जाते, वो फाइल टेबल के नीचे चले जाते, ना कोई उस पर सोचते थे, ना उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे, क्या करना है करके नहीं सोचते थे, मगर सब कहते थे कि हाँ हमारी बहनें हैं, भाई, बहनें हमेशा हाथ जोड़ के जीते रहे, बहनों का यही काम है। मगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने और वो सम्मान दिया, वो मान दिया, और हमको वो 33% के बिल के लिए उन्होंने खुद एप्लीकेशन देकर और उन्होंने सबको मनवा के उस पर साइन करवा दिया कि महिलाओं का हक दे दो, महिलाओं का अधिकार दे दो, महिलाओं को इक्वल जस्टिस है, उनको राइट्स है, उनको दे दो। मैं कल स्पीच सुन रही थी लोकसभा में, काफी लंबी स्पीचें हुए, आप लोग सब देखे हुए होंगे, तो फिर वहां पर अमित शाह जी आए और मैं देख रही थी, क्योंकि लोग कुछ अलग बता देते थे बातें, तो वहां पर लोग, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो उनका एक लफ्ज बड़ा अच्छा लगा कि डरो मत, डरो मत, डरो मत बोले। तो मैंने कहा कि क्या बात में डरो मत बोल रही हूँ। उसके बाद उन्होंने एक बात इतनी अच्छी बात कही कि मैं यहाँ पर महिला आरक्षण बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसको समर्थन करना नहीं करना मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेरे देश की माँ बहनों की बात कर रहा हूँ, इसमें समर्थन करना ना करने की बात ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू चले गए, क्योंकि 10-15 साल से हम महिलाएं ग्रुप में 20 साल से कनेक्ट होते हैं, इस बारे में बात करते हैं, कहीं भी एक महिला जब आगे बढ़ जाती है तो उसको पॉलिटिक्स जो है दबा देती है, उसका एग्जांपल सबसे पहले मैं, जो सालों साल से एक पॉलिटिकल लीडर एमपी से मैं फेस कर रही हूँ, पूरे भारत को मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है, हैदराबाद तेलंगाना के पूरे जजेस को मालूम है, हाईकोर्ट के जजेस को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मालूम है, पूरे लॉयर्स को मालूम है, मगर मैं राइट्स के लिए फाइट करती गई, हमेशा फाइट करती गई, और मैं बोली कि जरूर मैं हक पर हूँ तो मैं जरूर जीतूंगी एक दिन, मगर कल पूरा देश के सामने शर्म आने की बात है कि उन्होंने माँ बहनों के हक में वोट नहीं दिया और अग्निष्ट पे बात किया, और देश के 442 एमपीस ने वोट किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, उन्होंने माँ बहनों की इज्जत की, मैं सैल्यूट करती हूँ उन सारे एमपीस को, सिवाय दोनों के। ऐसे लोगों को ना देश में रहने का हक है, ना देश में जीने का हक है, क्योंकि जो सारा देश जो है मां बहनों की इज्जत करता है, और सारा देश, आप लोग कहते थे कि हम सेकुलर के हैं, हम सेकुलर माइंड के हैं, ये लोग तुड़ाने वाले हैं, ये लोग जुड़ाने वाले हैं, आज कौन सेकुलर माइंड है, ये पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और फिर बिल पास होती है तो कुछ लोग शुरू कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वो पार्टी वाले औरतों को कितना देंगे ये बताओ, ये पार्टी वाले औरतों को, उन सबको भी शर्म आना चाहिए इस बात पे। देश की महिलाओं को 33% पास किया है, कौन सी जात की महिला करके नहीं, उसका जवाब हमारे
स्मृति ईरानी जी ने दे दिया कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है, मर्दों औरतों के लिए। यहाँ पर औरत की बिल पास हो रही है, किसी जात और जमात की बिल, किसी मजहब की बिल पास नहीं हो रही। और मैं खास कर से आज रात सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे, पैदाइश का दिन मुबारक, अमेरिका से, लंदन से, यूके से, यूएस से, जो मोर देन 100 कंट्रीज में जहां जहां मेरा बिजनेस है, सारे लोग विशेष करते रहे, क्योंकि एक जगह पर 12 बज गया तो एक बार सुबह हो रही है, एक जगह पर 1 बज गया तो एक जगह पर टाइम 2 हो रहा है, तो एकदम विशेष विशेष। सुबह में उठने तक 5 से 10 लाख ईमेल आ चुके हैं, मगर सबने ये कहा कि मैडम आपने 20 साल पहले जो जुबान उठाया, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर ने उस बात को सच्चा करके दिखाया है, आप उनको कंग्रेट करो, आप उनको साथ दो। तो आज मैं यही कहना चाहती हूं कि बीजेपी पार्टी ने देश के महिलाओं को सम्मान कर दिया, इज्जत दे दिया और इतिहास के पन्नों में लिखने वाला काम कर दिया, जो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने यह फैसला नहीं ले सके। हर किसी को फाइल समझ में ही नहीं आती थी, उठा के फेंक देते थे। जब कुत्ते की बात करते, बिल्ली की बात करते, मगर औरत की बात आती तो उठा के फाइल पीछे कर देते, और छोटी छोटी बात करते थे फाइल पीछे कर देते थे। आज हक से, अधिकार से, आज एक छानने वालों ने मुझे सवाल किया, क्या मैडम वाकई में 30% महिलाएं आकर बैठेंगे सीट पर लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह जहां उनको मिला है? बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि उनको रिजर्व ही नहीं किया था, उनको आने का मौका ही नहीं दिया था, अब तो उनके सीट रिजर्व हो गए हैं महिला करके बोल के। उस पर वही बैठेंगे और कोई नहीं बैठ सकते, उस पर मुस्लिम भी बैठेगी, हिंदू भी बैठेंगे, क्रिश्चियन भी बैठेगी, दलित भी बैठेगी, गरीब भी बैठेगी, अमीर भी बैठेगी, मालदार भी बैठेगी, सब लोग भी बैठेंगे वो सीट के ऊपर। देखो कि देश का नक्शा बदल जाए। फिर उसके बाद मीडिया ने मुझे सवाल किया कि आप मर्दों के हित में बात करती हो, मर्दों के सपोर्ट में बात करती हो, तुम तो महिलाओं के लिए लड़ती हो। बिल्कुल नहीं, मैं कभी उन मर्दों के अग्निष्ट बिल्कुल नहीं, जो मेरा भाई है, जो मेरा बाप है, जो मुझे एम्पावर करना चाहता है, और जो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं। मगर मैं खिलाफ किसके लड़ी हूँ, जो कल 2 वोट नहीं दिए मैं उनके खिलाफ लड़ी हूँ, कल जो 2 वोट नहीं पड़े आप उनके माइंडों के खिलाफ मैंने लड़ा है, और उनकी सोच के खिलाफ मैंने लड़ा है, और उनकी समझ के खिलाफ मैंने लड़ा है, क्योंकि महिला को कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आने देना नहीं चाहते। मैं यही यहां से सारे हिंदुस्तान के महिलाओं को मैं आवाज देती हूँ कि ऐसे लोगों को आप वोट देंगे या जिताएंगे, सीट पर बिठाएंगे, देखिए तुम्हारे सम्मान में उनका एक वोट नहीं गया तो आप क्यों उनको वोट देते हो? जिसने आपको सम्मान दिया, जिसने आपको इज्जत दिया, आप उनको वोट करो, आप उनको जिताओ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो मोदी जी के जो विचार हैं, जो सोच है, जो सोच रखते हैं, भले वो 3 तलाक की बिल क्यों ना हो, भले वो महिलाओं की आरक्षण की बिल क्यों ना हो, और भी देश में कई कई बिल जो पास किए, तो देश को ऐसे प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जैसे वो बिल के बारे में सुनी, मैं सजदे में चली गई, अल्लाह का शुक्र अदा करी, और मैं बोली या अल्लाह ऐसे देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लंबी हयात दे दे, ताकि वो ऐसी सोच करते रहे, ऐसे विचार करते रहे। अब पता चल रहा है कि कौन से कूलर है, कौन डिबेट करने वाले हैं। इतना बड़ा फैसला होने के बाद भी कहते हैं कौन सी पार्टी को कितना परसेंटेज मिलेगा, बीसी को कितना मिलेगा, ईसी को कितना मिलेगा। अरे 33% देश के महिलाओं को मिल गया और वोट कर दिया उसके लिए, तुम फिर भी पूछते हो इनको कितना, उनको कितना, तो क्या तोड़ने वाले हो, क्या तुम जोड़ने वाले हो? तो ये बात जो है बहुत ही दिल को अट्रैक्ट की, और कुछ बातें जो है दिल को बहुत छू गए, कि जब जैसे अमित शाह जी ने आकर कहा कि मैं यहाँ किसी इसकी बात नहीं करता हूँ, मैं जो है बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे बहनों की, मेरी माँ की सम्मान की बात है, ये बात पूरे देश के महिलाओं को समझना चाहिए। और बड़ी खुशी होगी आप सबको देखकर, देखिए मेरे सब भाइयाँ मुझे यहाँ पर सम्मान करने आ गए, तो मैं देश के वो 99% जो भाई है मेरे, मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई पावर नहीं चाहिए, पावर दे दूंगी मैं, खुद ले लो मेरे भाई, बैठो पावर लेके बैठ जाओ आप, क्योंकि आप महिलाओं की इज्जत करने वाले हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन सारे भाइयों को जो महिलाओं की इज्जत के लिए उन्होंने किसी भी पार्टी है तो उन्होंने
जो है महिलाओं के हित में उन्होंने वोट दे दिया कि हमारी माँ है, हमारी बहन है। मैं उनके खिलाफ लड़ूंगी जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उनको स्टेज पे आना बुरा समझते हैं, उनको एक स्कूल चलाना बुरा समझते हैं। आपने देखा जो दोनों ने वोट नहीं दिया, कभी उनकी पार्टी में कोई महिला नजर नहीं आती, कभी अगर आती भी है तो उसको इस तरह से दबाते हैं कि मेरे ऊपर जो हालात गुजरे हैं, 12 बजे रात में घर में मेरी छोटी बच्ची और मेरी माँ होती है, पुलिस को फोन करके घर को भेजते हैं कि जाओ उसके घर में सर्च करके आ जाओ रात के 12 बजे। मैं पूछती हूँ सर सर्च वारंट कहाँ है सर, तो माइक पे कॉल आता है, क्या कर रही है वो, क्या रो नहीं रही है अभी? बोले नहीं रो रही है सर। कई बार कहा कि सर आप पूरा सर्च कर लीजिए, नहीं इमीडिएटली चक्कर ने कहा ऐसे जा गया, क्यों कि वो मुझे दबाना चाहते थे, मुझे एकदम डाउन करना चाहते थे। मैं 2017 में 100 करोड़ का मानहानि केस लगाई, सारे लोगों ने मुझे पूरे देश पे मैसेज किया एक एमपी के ऊपर तुमने जो है 100 करोड़ का केस लगाई है, मगर ये तू कैसे मतलब उस शहर में जी पाएगी? 10,000 देकर गंदे गंदे लोगों को यूट्यूब पे बिठा कर बहुत गंदी गंदी बातें करने लगा, मगर मैं कभी भी नहीं हारी। मैं बोली कि मैं वैसी नहीं हूँ, मेरे पूरे लोगों को मालूम है कि मैं क्या हूँ, मगर कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। फिर उसके बाद कंपनी को बंद करवाने की कई कोशिशें कर लिए, मगर 8 महीने सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने प्रूफ करवा दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच पे हूँ और मैं सच्चाई के लिए लड़ी हूँ। इन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की है, मगर कल पार्लियामेंट में जब देखे तो वो लेडीज जो छोटे मोटे भी हेल्प करते थे बोले कि आपा आप जो कहती थी बिल्कुल सच था। आज उनके जो सोच विचार थे आज पार्लियामेंट में सबके सामने आ गए और उनके दिल सबके सामने आ गए, उनके काले दिलों में क्या है वो भी सामने आ गया, क्योंकि वो माँ बहनों की इज्जत बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए मैं फिर से सैल्यूट करती हूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को और हमारे देश के जो बीजेपी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी को और जो वो जो पूरे जो एमपी लोकसभा के 442 एमपी जो देश के महिलाओं के हित में इंसाफ में जो उन्होंने वोट किया उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। तो इससे समझ गए कि पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 2024 जो है और मुझे लगता है कि भविष्य जो है उनका है, क्योंकि कल उन्होंने बच्चे बच्चे के दिल को जीत लिया। आज कोने कोने की औरत देश के कोने कोने की औरत खरिया खरिया की औरत विलेज विलेज की औरत याद करेगी उनको और ये बिल 2,000 साल तक इतिहास के पन्नों में 10,000 साल तक लिखी रहेगी कि ये प्राइम मिनिस्टर आया था जो इक्वल जस्टिस के लिए महिलाओं के इंसाफ के लिए उनके लिए 33% जो है बिल को पास कर दिया। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बातें मैं कोई प्रिपेयर होके नहीं आई हूँ, जो दिल में तकलीफ पहुंची थी, जो जरूरत है देश को, जो महिलाओं को जरूरत है, जो उनके आरक्षण के लिए जरूरत है, जो मैं महसूस करके रात दिन फाइट करती थी उसके लिए, अब रात इसीलिए कंग्रेट किया सबने कि जो आप फाइट करती थी वो पीएम जी ने पूरा कर दिया, अब आप बिजनेस को ज्यादा आगे बढ़ा लो, बाद में देखा जाएगा जो भी काम। मगर मैं बोली कि इंशाल्लाह मैं देश के लिए हमेशा काम करती रहूंगी, आप सबके लिए काम करती रहूंगी, मैं हर वो देश के भाई के साथ हूँ। जब भी मैंने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया तो लोगों ने मुझे सवाल किया महिला एम्पावरमेंट ये तुमने नाम क्या रख दिया, क्या तुम मर्दों को सीट नहीं देगी? मैं बोली हर वो भाई को सीट है जो बहन की इज्जत करता है, हर वो बाप को सीट है जो बेटी की इज्जत करता है, हर वो शौहर को सीट है जो अपनी बीवी की इज्जत करता है, हर वो इंसान को इस पे सीट है, मगर उसको सीट नहीं जो औरतों की इज्जत नहीं करता। तो ऐसे लोगों को देश पे कोई है नहीं है और हमेशा मैं साथ हूँ और साथ रहूंगी हक के साथ, इंसाफ के लिए, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। और मुझे आप सबको देखकर, आज आपकी मोहब्बतों को देखकर तो मैं कुर्बान हो गई। आज यहाँ मेरे क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, उलमा सब लोग आ गए मुझे कंग्रेट करने के लिए इस बात के ऊपर कि आज मेरा बर्थडे है। मगर मैं इतना खुशी मेरी जिंदगी में जब से पैदा हुई हूँ कभी नहीं मनाई, तो रात से मैं जो खुशी मना रही हूँ, ये दिन के जो पास होने पर खुशी मना रही हूँ, वो आज मेरे पैदाइश के दिन पर आ गया है, ये कुदरत की तरफ से है, मगर ये बहुत ही बड़ी बात है। आगे हम देश के साथ रहेंगे, इंसाफ के साथ रहेंगे, महिलाओं के साथ रहेंगे, महिलाओं को जो साथ देगा उनके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।